हेलो एवरीवन, मैं वंदना और डेविलिश डिलीशियस में आपका स्वागत है। और आज की मेरी रेसिपी है दो बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस सैलेड। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। मूंग दाल सैलेड के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप मूंग दाल। इस मूंग दाल को मैंने करीब 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था अच्छे से धोकर। और पानी में भिगोने के बाद अभी मैंने इसे पानी से निकाल दिया है और इस तरह से रख दिया एक चलनी में ताकि इसका पानी बहुत ही अच्छे से निकल जाए। ज़रूरी है कि दाल 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भीगी रहे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें डाला है सिर्फ 1 टीस्पून जितना ऑलिव ऑयल। हमें ऑलिव ऑयल केवल मस्टर्ड सीड्स को क्रैकल करने के लिए चाहिए। इसे हम गर्म होने देते हैं। इसमें हम डालेंगे बहुत ही थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, राई, करी पत्ता, ग्रीन चिली। हमें यहाँ पर ग्रीन चिली इन सबको बहुत पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा तेल में सॉटे करना है। अब हम कर देंगे गैस को बंद। हमारा पैन बहुत अच्छे से गर्म है। अब इसमें हम डालेंगे मूंग की दाल। याद रखें, यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है, सिर्फ हमें गर्म गर्म पैन में ये दाल डालनी है और इसे इस तरह से लगातार चलाना है और इसे ठंडा करना है। जब तक पैन ठंडा हो जाए तब तक हम इस दाल को इसी में रहने देंगे। हमारा पैन अच्छे से ठंडा हो गया है, हमारी दाल भी ठंडी हो गई है। दाल सिर्फ गरम गरम पैन में इसलिए डाली ताकि थोड़ा सा जो इसका कच्चापन हो वह निकल जाए। अब इस दाल में हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। यहाँ पे मैंने 1 गाजर लिया है, करीब 1 कप के बराबर है ग्रेटेड करने के बाद। आधा कप कद्दूकस किया हुआ ककड़ी। आप चाहें तो गाजर और ककड़ी को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। आधा कप फ्रेश कोकोनट, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। कोकोनट का मैंने जो ब्राउन वाला पार्ट है इसे निकाल लिया है और वाइट वाले पार्ट को ही ग्रेट किया है। बहुत ही थोड़ा सा इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। इसमें जो ये सब्जियां हैं, गाजर, कुकुम्बर और फ्रेश कोकोनट, ये आपको कितना डालना है आपको जैसे पसंद हो उतनी क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार और 1 नींबू का रस और इसे बहुत ही अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यह रेडी है हमारा मूंग दाल सैलेड, बहुत ही डिलीशियस होता है। अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा सैलेड। आज का जो हमारा दूसरा सैलेड है वो है रशियन सैलेड, हेल्दी रशियन सैलेड बोल सकते हैं आप। जो रशियन सैलेड होता है वो मेयोनीज से बनता है, पर यहाँ हम इसे कर्ड के साथ बना रहे हैं तो थोड़ा हेल्दी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है हैंकर्ड, तो ये 1 कप हैंकर्ड है। दही को मैंने एक चलनी में डाल दिया था और उसे मैंने फ्रिज में ही रख दिया था ताकि ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं हुआ है। इसे हम थोड़ा अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे और इसे फेंटते वक्त हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना शुगर, क्योंकि मेयोनीज थोड़ा सा बहुत ही लाइट स्वीट होता है और यहाँ पे कर्ड का आपको खट्टा नहीं लगे इसके लिए। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, पर दही है तो हल्का सा खट्टापन रहता ही है, मतलब उसे हमें फीलिंग आती है कि वो खट्टा है। यहाँ पर हम डालेंगे फ्रेश अमूल क्रीम, तो ये मैंने 1/2 कप ली है। इन दोनों को अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। शुगर बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप न डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अगेन आप फ्लेवर के लिए डालना चाहें तो 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यह भी बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ फ्लेवर के लिए आप डालना चाहें तो। अब हम इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने आलू को जो है इस तरह से स्क्वायर शेप में काट के बॉईल कर लिया है पानी में। गाजर को भी मैंने छोटे छोटे शेप में काट के बॉईल कर लिया है। थोड़ी सी बीन्स है, थोड़ी सी मटर है। बीन्स भी यहाँ पर ऑप्शनल है, मुझे बीन्स पसंद है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इन सभी को हम, जो हमारा कर्ड और क्रीम है, इस मिक्सचर में डालेंगे। मेरे चैनल पर नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों को सिर्फ काट के थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल करना है, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं इसमें उसमें नमक डाला है, ना मैंने उनमें शुगर डाली है। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक फ्रूट, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें एप्पल। एप्पल को मैंने छिलके के साथ काटा है और इसके मीडियम साइज़ के पीस किए हैं। यहाँ पे आप एप्पल की जगह पाइनएप्पल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर एप्पल जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ एप्पल। और इसे हम एक बार फिर बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और इसे ठंडा ठंडा इन्जॉय करें। तो रेडी है हमारे दोनों झटपट बनने वाले सैलेड, मूंग दाल सैलेड और हेल्दी रशियन सैलेड। आप ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।